हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी चैनल में दिल से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बाजार जैसा क्रिस्पी प्याज का पकोड़ा बताने जा रही हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट होता है, आप ज़रूर इसे एक बार बनाइए, खाइए और आपका अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए नीचे वाले कमेंट बॉक्स पर। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छा लगे तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए बनाना शुरू करते हैं। आज हम प्याज के पकौड़े बनाएंगे। प्याज के पकोड़े बनाने के लिए मैं यहाँ पर हाफ के जी प्याज को स्लाइसली बहुत पतला पतला काट कर रखी हूँ और साथ में मैं ली हूँ बेसन एक बाउल, लगभग 4-5 बड़े चम्मच, आधे छोटे चम्मच हल्दी पाउडर, आधे छोटे चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार, आधे छोटे चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधे छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक हरी मिर्च। पहले हम प्याज में इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर एक बैटर बनाएंगे। आज मैं मार्केट जैसा प्याज के पकोड़े बनाऊंगी। पहले हम प्याज में डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च, गरम मसाला, अदरक और लहसुन का पेस्ट, बेसन। अगर ज़रूरत पड़े तो हम और थोड़ा बेसन ऐड करेंगे और नमक स्वाद अनुसार। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका बैटर बनाएंगे। पहले हम अच्छी तरह मिला देंगे सबको। और थोड़ा बेसन चाहिए हमें। मैं यहाँ पर और 3 चम्मच बेसन मिला रही हूँ। देखिए अच्छे से मिल गया है प्याज बेसन के साथ। अब हम पैन में तेल को गरम करेंगे फ्राई करने के लिए। तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें प्याज के पकोड़े बनाएंगे। एक एक करके हम डालेंगे। मीडियम फ्लेम में हम इसको फ्राई करेंगे। नीचे का साइड हो गया है, अब हम इसको पलट देंगे। दोनों साइड अच्छे से क्रिस्पी हो गया है, अब हम इसको निकाल देंगे।
ऐसे ही हम सारे पकोड़े बनाएंगे। ये बन गया बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी प्याज का पकोड़े। आप इसे घर में ज़रूर एक बार बनाइए, खाइए और आपका अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए नीचे वाले कमेंट बॉक्स पर। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छा लगे तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलेंगे एक नई और टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक यू।